أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على سلام حي على السلام

السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عظمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين <coughs> आयत का तर्जमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से तू उनके लिए नरम हो गया और अगर तू तुंद खू और सख्त दिल होता तो वो ज़रूर तेरे गिर्द से दूर भाग जाते बस इनसे दरगुजर कर और उनके लिए बशिश की दुआ कर और हर अहम मामले में उनसे मशा कर बस तो जब तू कोई फ़ैसला कर ले तो फिर अल्लाह ही पर तोल कर यकीन अल्लाह तो अकुल करने वालों से मुहबत रखता है इन दिनों में में मुख्त ममालिकमाती मजालसर मनखद हो रही हैं बाद मुल्कों में हो चुकी हैं बाद में इस हफ़्ते हैं और बाद आइंदा हफ्ते में होंगी जर्मनी की आज शुरू हो रही है इसके साथ ही और बहुत से मुल्क हैं इस दिन यू के यू के की मजल से अगले हफ़्ते है और भी इसके साथ और मुल्क शामिल हैं शुरा की अहमियत और नुमाइंदगान की जिम्मेदारियों के बारे में मैं पहले भी बात में तोज़ो दिला चुका हूँ लेकिन इसको क्योंकि अब कुछ साल गुज़र चुके हैं इसलिए मैंने से समझा कि आज फिर इस बारे में अल्लाह ताला के हुक्म आ हज़रत अलैहि वसल्लम के उसवा और जमाती रवायात और तरीक के मुताबिक कुछ कहूँ जहाँ शुरू की मजालस मनक़द भी हो चुकी हैं वहाँ के शुरा भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो मबरान शुरा की ज़िम्मेदारियों के हवाले से मम्बरान शुरा को याद रखनी चाहिए क्योंकि बार मबरान की बज़िमेदारियाँ शुरा की सिफारशा और खलीफा वक्त के उन पर फ़ैसले के बाद ही शुरू होती हैं और इनका अंजाम देना और अपना किरदार अदा करना हर मेंबर शुरा का फ़र्ज़ है बहरहाल इन ज़िम्मेदारियों की तरफ़ तो लाने से पहले ये आय जो मैंने तलावत की है इसकी रोशनी में कुछ बातें करूँगा और आ हज़रत सल वम का उसवा और आपका तरीक बयान करूँगा। इस आयत में जहाँ इस बात की तस्दीक फरमाई गई है कि आँ हज़रत सल्लाम अल्लाह ताला की खास रहमत से अपनी उम्मत के अफ़राद के लिए इंतहाई नरम दिल रखने वाले थे वहाँ इस बात की तरफ भी अल्लाह ताला ने हमें तमें तोजो दिलाई हदायत फरमाई कि जिनके स्पुर आ हज़रत अलैहि वम के काम को आगे बढ़ाना है और फिर आप वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आने वाले मसीह माऊद और महदी मऊद के मिशन को पूरा करना है उनका भी ये काम है कि मोहब्बत प्यार और नरमी से काम करें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नरमी ना दिखाई और सख्त दिली दिखाई और गु़स्से में आने वाले हुआ तो ये लोग दूर हो जाएंगे बस अल्लाह ताला दरगुजर करने और बख्शिश की दुआ करने का हुक्म फरमाता है और फिर साथ ही मशवरा करने का भी हुक्म फरमाया है बस इस असूल और तालीम के ताबे मजाल से शुरा मनकद मुनुख, की जाती हैं लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये मशवरा देने वाली मजलिस है फैसला करने वाली नहीं इसलिए फरमाया कि मशवरों के बाद जो फ़ैसला तो करे इस पर अल्लाह तक करते हुए अमल कर और जब अल्लाह ताला पर तवकुल तो होगा तो फिर अल्लाह ताला उसके नतायज भी बेानतहा बरकतों वाले निकालेगा तोल की अला तरीम मिसाल, तो आ हज़रत अलैहि वसम की ज़ात में हमें नज़र आती है। सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला को तो बहुत से मामलात में अल्लाह ताला की तरफ़ से राह रास्त रहनमाई मिलती थी लेकिन ख़ास तौर पर उन मामलों में आप ज़रूर ज़रूरी मशवरा तरफ़ फरमाते थे जहाँ अल्लाह का कोई वाज हुक्म ना होता था और आपका ये अमल और अल्लाह का ये हुक्म हमें बताने के लिए है कि जमाती जमातीदारों के अफरा के अहदेदारों के अफराद जमात के साथ कैसे रवैये होने चाहिए और हमें वहाँ मशरे से काम करने चाहिए अल्लाह ताला का ये एहसान है जमात अहमदिया के जमात अहमदिया को अल्लाह ताला ने खिलाफत के इनाम से नवाजा है इसलिए खलीफा वक्त भी अल्लाह ताला के हुक्म और आ हज़रत सल्लाम की सन्नत के मुताबिक दुनिया में फैली हुई जमातों से वहाँ के हालात के मुताबिक मश्र लेता है इस बात में कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह तौ चाहता तो आजरत सल्ला व्म की हर मामले में रहनमाई फरमा देता लेकिन आप को बाद मामलात में मशवरे का हुक्म देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ मामलात में मशवरा लेना हकीकत में हमें सही रास्ते पर चलाने और बाहमी बहमी और मशरे से काम करने की तरफ रहनुमाई के लिए और उम्मत में वादत पैदा करने के लिए इस बारे में एक हदीस से इसकी होती है हजरत इबन अब्बाश रवायत करते हैं कि जब शाविर हम फिल्म्र की आयत नाजल हुई तो आ हज़रत अलैहि वसम ने फरमाया कि अगरचे अल्लाह और उसका रसूल इससे मुस्तनी है लेकिन अल्लाह ने इसे मेरी उम्मत के लिए रहमत का बास बनाया है बस इनमें से जो मशवरा करेगा वो रिश्तों हदायत से महरूम नहीं रहेगा और जो मशवरा नहीं करेगा वो ज़िलत से न बच सकेगा बस आजरत हाँ सल व्म तो इन मशरों से मुस्तनी थे और हैं लेकिन इसके बावजूद आपने मशवरे लिए ताकि उम्मत के सामने वो नमूना कायम फ़रमा दें जिससे उम्मत हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से हिस्सा लेती रहे और हमेशा रुश्दो हदायत के रस्तों पर चलती रहे और ज़िल्लत से बचती रहे ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है हम पर कि हमारे अंदर शूरा का निज़ाम राज बस इसकी हर अहमदी को आमतौर पर और हर शुरा मेंबर को ख़ास तौर पर कदर करते हुए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारे लिए रुशदो हदायत का सामान पैदा फरमा दिया अलैहि वसल्लम ने किन मौक़ों पर मशरे लिए और आपके मशवरे का क्या तरीक़ था इस बारे में जो हमें तारीख से पता चलता है वो कुछ बयान करता हूँ यही तरीक़ कुल्हारद्दीन ने, ने भी जारी रखा और फिर इस ज़माने में हज़रत मसीम ने भी इसी पर अमल किया मशवरा लेने के लिए तीन तरीक हमें नज़र आते हैं एक ये तरीक़ था कि जब मशरे के काबिल कोई मामला होता तो एक शख्स ऐलान करता कि लोग जमा हो जाएँ और लोग जमा हो जाते और फिर जो राय होती जो मशवरा होता इस पर आ हज़रत अलैहि वसल्लम या खुलफा फ़ैसला कर देते कि इन मशवरों के बाद हमारा ये फ़ैसला इस, इस तरह इस पर अमल होगा उस ज़माने में क्योंकि सरदारी निज़ाम था इसलिए अमूमन गो कबीले के लोग जमा होते थे बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे लेकिन राय सरदार या अमीर ही देते थे नुमाइंदा होता था उनका एक और लोग इस बात पर बखुशी राज़ी होते थे कि हमारा सरदार या अमीर हमारी नुमाइंदगी में राय दे बल्कि उस वक्त के रिवाज के मुखालिफ, अगर कोई जोश में अपनी राय देने की कोशिश भी करता तो अलैहि सल्लाम फरमाते कि अपने सरदार या अमीर से कहो कि वो आगे आकर अपनी राय दे तुम्हारी बात की इस तरह कोई अहमियत नहीं है बस ये एक तरीक़ था दूसरा तरीक़ ये था कि जिन लोगों को अलैहि सल्लम मशवरे का अहल समझते उन्हें बुला लेते और तौर पर सब को ना बुलाया जाता और फिर इन चंद लोगों की मजलिस से मशवरा लिया जाता तीसरा तरीक ये था कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते कि दो आदमी भी जमा नहीं होने चाहिए इकट्ठे वहाँ आप लहदा बुला बुलाकर मशरा लेते पहले एक को बुलाकर मशवरा लेते फिर दूसरे को बुलाकर मशवरा लिया जाता बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीन तरीक़ थे मशवरा लेने के और खुलफाए राशिदीन ने भी इसके मुताबिक ही मशवरा लिया जैसा कि बयान हो चुका है कि आ हज़रत वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल इन मशोरों से मुस्त नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमें तारीख से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्त मौक़ों पर मशवरे लिए बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा अब से मशरे लिया करते थे चौंचे चौंके हज़रत हुई हो बयान करते हैं कि मैंने आ हज़रत सल वम से ज़्यादा किसी को अपने अहब से मशूरा लेने वाला नहीं पाया और ये सब कुछ इसलिए था कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला का नबी जिसको अल्लाह ती रहनुमाई ब्राह रात हासिल है मशवरा लेता है तु, तो तुम लोगों को किस कदर मशरे की आमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए आप आपका साल मश्रा मशोरे का एक वाक़ा बयान करता हूँ एक रिवायत में आता है हज़रत माज़ बिन जबल रजीदान हो कहते हैं कि रसूल सल वम ने जब मुझे यमन भिजवाने का फ़ैसला फरमाया तो हज़रत हज़रतजूर सल व्म ने बहुत से सेहबा से मशूर तलब किया उनहबा में अबू बकर हो उमर रजी दल हो उस्मान रदी तैन हो तलहा तलहर रदीद हो जुबैर रदी हो, और बहुत से सहबा थे हजूवक रजी तैन की कि अगर हजूर सल्लम हमसे मशरा ना तल फरमाते तो हम कोई बात ना करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि जिन अमूर के बारे में मुझे वही नहीं होती और उनके बारे में उनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ जिन के बारे में मुझे वही नहीं होती इनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ मदर तला बताते हैं हाँ। तो कि हजूर सल वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि मुझे मशवरा दो जब हजूर सल वम राय ले रहे थे तो हर शख्स ने अपनी अपनी राय बयान की और उसके बाद हजूर वसल्लम ने फरमाया माज़ तुम बताओ तुम्हारी क्या राय तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी वही राय है जो हजरत बकर तो आपसे पूछा उन्होंने बस जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इजहार अपनी सादगी और आजी और मशरे की अहमियत को जाहिर करता है वहाँ हमारे लिए उस वह हसना है कि हमें किस कदर मशरों को अहमियत देनी चाहिए और सहाबा का नमू हमें ये बताता है नमूना ये बताता है कि वो जब वसल्लम के हुक्म से मशवरा देते थे तो फिर अपनी सलाहियतों और तजर्बे के मुताबिक तकवा पर चलते हुए मशवरा दिया करते थे फिर मदीना हिजरत के बाद भी जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों के अमन सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सतबाप के लिए साहबा से मशवरा लिया और अनसार के सरदारों को भी इसमें शामिल फरमाया महाजरीन के सरदारों को भी शामिल फरमाया और फिर महाजरीन और अनसार के सरदारों के मश्वरे और रदामंदी से आप भद्र की तरफ रवाना हुए और अंसार के सरदारों ने इस मशे के दौरान जो अखलास वफा का नमूना दिखाया और किया, इस पर आदरत सल वम ने इंतहाई ख़ुशी और इतमान का भी ज़ार फरमाया इसलिए कि मशरा सिर्फ मशरा की हद तक नहीं है बल्कि मशरा देने वालों का अमल और रवैया और इस मशरे पर ख़ुद सबसे पहले अमल करने का है अगर अमल करने का नहीं और फिर हकीकत में उस पर अमल नहीं फिर मशुरा बेफायदा है और हमने देखा कि किस तरह बदर के मैदान में अखिलास वफा का अमली इजहार फिर इन सहाबा ने फरमाया जब मशरा दिया तो फिर अपनी जान की वादी लगा दी बस जहाँ जहाँ हमारे शूरा के मंबरान हैं उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ वो मशवरा देते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हमने इन मशरों पर मंजूरी के बाद आ, के मंजूरी के फ़ैसले के बाद अमल करना है या जो भी खलीफा वक्त फ़ैसला करेंगे सबसे पहले हमने उस पर अमल करने के लिए हर कुर्बानी देनी है। जब अपने अमली नमूने कायम होंगे तो फिर ही अफराद जमात भी ख़ुशी से उस पर अमल करने की के लिए हर कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करेंगे शुरा के मम्बरान को ये हमेशा सामने रखना चाहिए कि हर अहमदी का ख़िलाफत से वफ़ा और इताद का अहद है तो इसके लिए सबसे अला नमूना वदेदारान और शुरा के मम्बरान को दिखाना चाहिए क्योंकि आप इस अदारे के मेंबर बनाए गए हैं जो निज़ाम खिलाफत और निज़ाम जमात का मददगार इदारा है हमेशा याद रखें कि जहाँ ये हुक्म खलीफा वक्त, वक्त खलीफा वक्त को है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए दीन के अहम कामों में उमस के लोगों से मश्रा लो इसी तरह नरम दिल रहने और दुआ का भी हुक्म है उन लोगों को भी ये हुक्म है जिनसे मशवरा लिया जाता है कि नेक नियत होकर तकवा पर चलते हुए मशवरा दो बस मशवरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके मशवरे नेकनीयति और तकवा के आला मायारों के मुताबिक होने चाहिए बस इस लिहाज से मश्रा देने वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जायज़ा लें कि उनका तकवे के तकवा किस मैार का हजत अली हो की एक रवायत तो यहाँ तक वजहत करती है आपने फ़रमाया कि शाविरुल शाविरफुका फुकाहा वल आवेदी यानी समझदार और इबादत गुजार लोगों से मश्रा करो हर एक से नहीं बस ये मैार है नुमाइंद का इसमें उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो नुमाइंद शुरा चुनते हैं कि अपने में से ऐसे लोग चुने जो बज़ाहिरफ रखने वाले हैं दीनी इलम में बेहतर हैं और इबादत के मैार भी अच्छे हैं जहाँ भी इस मैारे साम, को सामने रखते हुए नुमाइंदगान चुने जाते हैं उन नुमाइंदगान की राय में, में ए, मैं मैंने देखा है कि एक नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा होता और ये ज़िम्मेदारी है उन नुमाइंदान की भी कि अगर हुसन रखते हुए अफराद जमात ने किसी को शुरा का नुमाइंदा चुना है तो वो इस हुसनदान पर पूरा पूरा उतरे एक दिन में या चंद हफ्तों में कोई इल्म के अला मैार और दीन की गहराई को तो नहीं जान सकता हासिल नहीं कर सकता लेकिन तकवा पर चलते हुए अपनी राय हर किस्म के मुफ़ाद से बाला होकर तो हर कोई दे सकता है इसी तरह अल्लाह ताला के आगे झुकते हुए उससे मदद मांगते हुए दुआ के साथ जहाँ जहाँ शूरा मुनकिद हो रही हैं वहाँ के नुमाइंद को अपनी राय देनी चाहिए ना कि किसी मुकर की तकरीर से मुतासर होकर और ना ही किसी ताल्लुक और दोस्ती का ख्याल रखते हुए अपनी राय को दूसरों की राय के साथ मिलाना चाहिए ना ही और ना ही किसी खौफ या लिहाज़ की वजह से अपनी राय बदलनी चाहिए बल्कि तकवा सामने रखते हुए जमात के मफाद को हर बात पर मुकदम करते हुए जब राय देंगे तो तभी हकीकत में वो अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करने वाला बनेंगे हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल भी जानता है और हमारे हर अमल को भी देख रहा है अगर मैं उसकी रजा के सामने रख कर काम नहीं कर रहा तो कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी लेने वाला ना बन जाऊँ इसी तरह जहाँ शुरा हो चुकी है वहाँ शूरा के मुंबरान अपना हक़ अब इस तरह अदा करें कि अपने अमली नमूने अपनी रूहानी और अमली हालत पर हमेशा नज़र रखते हुए गुजारने का अहद करें और जो फ़ैसले हों जो हुए हैं उन पर तकवा से चलते हुए अमल करने और करवाने की कोशिश करें जब हम ये हालत पैदा करेंगे तभी हम अल्लाह ताला की रहमत को जज्स करने वाले भी होंगे और हमारे फ़ैसलों में बरकत भी पड़ेगी वरना हमारा जमा होना और अपनी राय के लिए पुरजोर तकरीरें करना इन दुनावी उन दुनियावी असम्बली की तरह होगा जहाँ तकवा तकवा मफकूद है और ऐसे फ़ैसले होते हैं जो बसा का अखलाक को भी पमाल करने वाले होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों के भी खिलाफ़ होते हैं अपनी पार्टी के मखादस को सामने रखा जाता है बाजा अवत जल्दी ऐसे गलत फ़ैसलों के नतज भी निकल आते हैं जो अमन व सुकून पर बात करने वाले होते हैं और बाज़त देर से भी नतज निकलते हैं लेकिन वरक़ उनमें कोई नहीं होती लेकिन बहरहाल ऐसे फ़ैसले जो अल्लाह ताला के कानून और हुक्मों के ख़िलाफ़ हों फिर आखिर में कौमों की तबाही का जरिया बनते हैं बस दुनियादारों की हालतों को देखकर भी हमें अपनी हालतों को बेहतर करने की तरफ तवज्जो तो रखनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा शूरा के मैमरान के मशवरे खलीफा वक्त को पेश की जाती हैं और खलीफा वक्त के कहने पर ही यह शूरा बुलाई जाती है बस हमेशा याद रखना चाहिए कि मजलिस शूरा खिलाफत का मददगार अदारा है और इस लिहाज से जमात में खिलाफत के बाद इसकी बहुत अहमियत है और हर मेंबर जो शूरा के लिए मुंतब होता है वो एक साल के लिए मेंबर होता है उसे अपनी इसामियत को हमेशा सामने रखना चाहिए शुरा के एजेंडे और मशवरे से ही खलीफा वक्त को उन मसाइल से भी आगाही होती है जो मुख्त्य ममालिक में और फिर जो आरा आती हैं उनसे उन, उन मसाइल के हल का अमल भी सामने आ जाता है बाज़ औकात, बाज़ बातें किसी मसले के हल के बारे में पूरी तफसील से बयान नहीं होती या मम्बरान शुरा के सामने ही नहीं आती तो खलफा उन बातों को भी ला में शामिल कर लेते हैं और बात जगह मैं भी यही तरीक़ अपनाता हूँ तो बहरहाल हर मेंबर शुरा को इस बात का मुकम्मल इदराक होना चाहिए कि इसकी ये ख़ास अहमियत है और ये अहमियत सिर्फ़ तीन दिन के लिए नहीं है बल्कि सारा साल के लिए और जो भी लाया अमल बनता है इस पर अमल दरामद करवाने में और मुकम्मल ता इंतज़ामिया को इस पर अमल दरामद के लिए पेश करने की हर शुरा मेंबर को कोशिश करनी चाहिए और ये उसकी ज़िम्मेदारी है और जब ये होगा तो तभी जमाती तरक्की के मंसूबे सही रास्ते पर काम पर होंगे और इन पर आसन रंग में अमल हो सकेगा और रिश्त हदायत का जो मिशन हज़रत मसीमलाम के सुपुर्द हुआ है हम इसमें मुआवन और मददगार बन सकेंगे अगर ये नहीं तो शूरा का मेंबर होना बेफायदा है। यहाँ ये भी ज़िक्र कर दूँ कि दुनिया के हर मुल्क में शूरा अमूमन वहाँ के अमीर के ज़ैर से दादाज होती है और बाद राय रह देने वाले जोश खताबत में ऐसे अलफाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो शुरा के तकदस के ख़िलाफ़ है तो पहली बात तो ये है कि मम्बरान जब भी अपनी राय दें तो जोश खताबत दिखाने के बजाय होश ववास से आरी होने होकर तकरीर करने के बजाय जज्बाती तकरीरें करने के बजाय मुनासिब अल्फाज में अपनी राय दिया करें बज दफ़ा राय देने वाले ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे आमला के मम्बरान या अमीर जुम जमात जिनकी सदारत में शुरू हो रही होती है ये समझते हैं कि राय देने वाला बिल वास्ता या बिला वास्ता या बर रास्त हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे और फिर सदर होने की हैसियत से बोलने वाले को सख्त अल्फाज में रोक दिया जाता है या झड़क दिया जाता है तो उमरा को भी हौसला दिखाना चाहिए ये उसने ध्यान रखना चाहिए कि कहने वाला जो कह रहा है जो वो जमाती मुफात के लिए और दर्द रखते हुए कह रहा है अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शुरा के तकदस के ख़िलाफ़ हैं तो नरमी से उसे टोक दें ऐसा रवैया ना अख्तियार करें जिससे शुबा हो कि सदर मजलस ने जाती इज़्ज़त का सवाल बना लिया इस बात को खास तौर पर बजट के मामले में जब बहस होती है तो ज़्यादा जज्बात का इजहार हो जाता है और बाद तहफात तो का भी इजहार हो जाता है ऐसे हालात में भी मुतलका सेकटरी को सेकटरी माल को और सदर मजलिस को तहमुल से बात सुनकर उसका जवाब देना चाहिए और तसली करवानी चाहिए किस तरह का बजट बना किस तरह आमद है किस तरह उसके अखराजा हैं क्या उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता है कहने वाला तो अपनी तरफ से जमाती मफाद को पेश नज़र नज़र रख कर बात करता है इसलिए बदलनी नहीं होनी चाहिए इसी तरह एजेंडे की दूसरी तजावीज़ हैं इसमें बाज़ा बिलाव की बहस में इंतज़ामिया भी और नुमाइंद भी उलझ जाते हैं या फिर बिल्कुल ही खामोश होकर इस तरह हो जाते हैं जैसे इंजामिया का खौफ हो ऐसे लोग भी अपनी इमानत का हक अदा नहीं करते बस हमेशा याद रखें कि नुमाइंदगान को लोगों ने इसलिए चुना है कि वो नुमाइंदगी का नुमाइंदगी का और इमानत का हक अदा करें इसलिए नहीं इसलिए ना ही जातियात का सवाल होना चाहिए ना किसी किस्म का खौफ होना चाहिए और हमेशा समझें कि लोगों ने हमें अल्लाह ताली के इस हुक्म के मुताबिक मुंतब किया है कि अमान आते, कि अलामानतें उनके अहल के सपुर करो और खलीफा वक्त भी यही समझता है। कि जब लोगों ने नेक नियति से अल्लाह ताला की के इस हुक्म के मुताबिक अपने नुमाइंदे बनाए हैं तो फिर वो इसके मुताबिक ही अपनी ईमानतों का हक अदा कर रहे होंगे और अगर नुमाइंदगान अपना यह हक शूरा और बाद में अभी अदा नहीं कर रहे तो ना सिर्फ़ वो अफ़राद जमात के अतमाद को ठेस पहुँचा रहे हैं बल्कि खलीफा वक्त के साथ भी अपनी ईमानत का हक़ अदा ना करके ख़यत के मरतकब हो रहे हैं लेकिन यहाँ एक और सूरत भी हो सकती है बाद नुमाइंदे चुनने वालों ने भी तकवा से काम न लेते हुए नुमाइंदे चुने हों रिश्तेदारियों के तल्लक़ की वजह से या दोस्तियों का पास करते हुए मुंतख किए हों बहाल वो चुनने वाले तो अपने इस अमल में गुनागार हैं उन्होंने ये ग़लत काम किया अगर उन्होंने हकदार नहीं किया तो इस्तार करनी चाहिए उन्हें लेकिन जो नुमाइंद बल्कि वहदार को भी मैं शामिल करता हूँ वो जब मंतख हो गए हैं और अमली और रूहानी हालत के वो मैार उनमें नहीं हैं जो होने चाहिए तो फिर अब इस्तार करते हुए अपनी हालतों में मुबत तब्दीली काद करते हुए और तकवा पर चलने की भरपूर कोशिश करते हुए अपने आप को इमानत का के अदा करने का अहल बनाने की कोशिश करें और जब ये कोशिश होगी तो जहाँ अल्लाह ताला की रजाक को हासिल कर रहे होंगे वहाँ हजरत सलाम के मिशन में भी मददगार बन रहे होंगे और अपनी अमली और रूहानी हालतों को भी बेहतर कर रहे होंगे जैसा कि मैंने कहा नुमाइंदगी एक साल के लिए और इस अरसे में इंतज़ामिया से तान भी करना है और फैसलों पर ख़ुद भी अमल करना है और करवाना भी है इस बात के हसूल के लिए हमेशा ये निगरानी करते रहें कि आपकी जमात में इस पर अमल हो रहा है या नहीं या किस हद तक हो रहा है और इसके मुताबिक और उसके मुताबिक अमल हो रहा है जिस तरह खलीफा वक्त ने फ़ैसला दिया था बस इस तरह आपने खली के मददगार बनना है बज दफ़ा देखने में आता है कि जमातों में जाकर फैसला अहदेदारों की सुस्तियों का शिकार हो जाते हैं जब फैसले होते हैं उन पर अमल नहीं हो रहा होता बस ऐसी सूरत में नुमाइंदगान का काम है कि सिर्फ अफराद जमात को ही तवज्जो नहीं दिलानी बल्कि अहदेदारों को भी उनकी जिम्मेदारियों की तरफ तोजो दिलानी है और अगर फिर भी तोजो पैदा नहीं हो रही और इस तजवीज़ पर उस तरह अमल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए तो फिर मरकज़ को लिखें इस तरह बहुत से अहदेदार भी शुरा के मेंबर होते हैं उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि अपने शोबे के काम को देख लें बल्कि शुरा की तजावीज़ और खलीफा वक्त के उन पर फ़ैसले पर अदम तमील होने और अमल दरामद ना होने को भी उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए चाहे उनका अपना शोबा या किसी दूसरे का और मुतलका मुतलकादेदार और अमीर को तो जुदल लानी चाहिए और आमला में भी ये मामला रखना चाहिए वरना फिर फिर ऐसे अहदेदार भी और ऐसे नुमाइंदे भी अपनी इमानत का हक अदा नहीं कर रहे इस दुनिया में तो बाज़ बहाने बना कर बच जाएंगे, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला से कोई बात छुपी हुई नहीं है और वो इमानतों के अदा करने के बारे में पूछेगा बस बहुत फ़िक्र का मुकाम है इस बात पर हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हम शूरा के नुमाइंदे यादेदार हैं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी की हर एक को फिक्र करनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा अगर जमातों में उहदेदारों को भी को भी तोजो दिलाने पर शुरा के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा नुमाइंद कोशिश करते हैं और फिर भी वो जो दिलाने पर उस पर अमल नहीं करते तो मरक़ को इतला करें इस पर बाद लोग अब भी अमल करते हैं ये नहीं कि अमल नहीं हो रहा बहुत लोग इस पर अमल करते हैं अगर अमल नहीं कर रहे रहेेदार तो मलक करते हैं लेकिन अमूमा उस वक्त करते हैं ये बात जब किसी किसीदार से ी रंज की बिना पर इख्तलाफ पैदा हो जाए ये तरीक़ तकवा का तरीक़ नहीं है अगर तकवा से काम लेते हुए हर नुमाइंदा और हर अहदेदार शुरा की मंजूर शुदा तजावीज़ पर अमल करने और करवाने की कोशिश करे तो फिर कभी यह सूरत पैदा ना हो कि वो तजवीज़ दोबारा अगले साल या दो तीन साल बाद पेश होने के लिए आ जाए दोबारा तजवीज़ आने का मतलब ही ये है कि इस पर या तो मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ या जिस तरह होना चाहिए था उसरा नहीं हुआ बस ऐसी जमातों और अहदारों को सोचना चाहिए कि क्या ये तकवा पर चलने और अपनी इमानतों के हक़ अदा करने का अमल है क्या ये खिलाफत से इतात और वफा के निभाने के अहद को पूरा करने का अमल है मुल्क के अंदर जो जमातें हैं वो अपने मरकज़ को भी मरक़ को ऐसी तजावीज़ भेजती ही उस वक्त हैं जब वो देखती हैं कि इन बातों पर अमल नहीं हो रहा अगर अमल हो रहा हो और हर सतह पर हर जमात की निगरानी हो रही हो कि किस हद तक अमल हो रहा है तो तजावीज़ दोबारा आए ना और नाम की मरकज़ को इन तजावीज़ को खलीफा वक्त के पास इस सिफारिश के साथ भेजने की जरूरत पड़े कि क्योंकि ये एक साल पहले या दो साल पहले पेश हो चुकी है इसको इसलिए इसको शुरू में पेश करने की सिफारिश नहीं की जाती ये जवाब लिखते हुए मुल्की मरकज मरकजी मरकजी निज़ाम को शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए लिखना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हम इस पर अमल नहीं करवा सकें अब इस साल हम इस पर अमल करेंगे अगर अमल ना करवाएं तो हम मुजरिम होंगे और उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी इमानतों को हाकदा नहीं कर रहे लिहाजा ये तारीख लिखनी चाहिए उनको और फिर के लिखें कि लिहाजा नहायत के साथ हम माफ़ी मांगते हुए इस साल पेश न करने की सिफारिश करते हैं इस तजीज़ को जब इस तरह करेंगे तो एहसास तो तो पैदा होगा ज़िम्मेदारी का कम अज़ कम इससे इंतजामिया और नुमाइंदगान को एहसास तो, को ये एहसास तो होगा कि वो बड़े बड़े लाया अमल बना कर खलीफा वक्त को पेश करते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और फिर उस पर अमल नहीं करते तो वो मुजरम हैं और खलीफा वक्त के अतमाद को ठेस पहुँचाने वाले हैं बस इस लिहाज से जहाँ इज्तमी लिहाज से मुहासुवा हो वहाँ इनफरादी तौर पर भी भीदेदार और नुमाइंदा शुर् अपना मुआसबा करे और इस्तार करे और फिर वजूहत भी इस पर आम दरामद ना करने की हर सतह पर जानने की कोशिश की जाए बस ये जायज़े ही हैं जो जमाती निज़ाम को सही रास्ते पर चला सकते हैं वरना ज़ुबानी बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते मुल्कों के अंदर ये जायज़े लेने की भी ज़रूरत है कि बाज़ एक्टिव जमातें अगर सौ फ़ीसद नहीं तो सत्तर अस्सी फ़ीसद तजावीज़ पर अमल कर लेती हैं और एक लगन के साथ करती हैं कि ख़लीफ़ा वक्त की मंजूरी से ये लाए अमल हमें मिला है और हमने ख़लीफ़ा वक्त के अतमाद को ठेस नहीं पहुँचानी तो वो क्या जज्बा है ये मालूम करना चाहिए कि क्या जज्बा है जिसके तहत इस जमात के अफराद में ये इनकलाब है ऐसी फाल जमातों के की कमज़ोर जमातों के अहदेदारों के साथ मीटिंग करवाई जाए बल्कि मरकजी अहदेदारों से भी मीटिंग करवाई जाए और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए अगर किसी जगह एक जमात भी फाल और अपने अमली और रूहानी प्रोग्राम में भरपूर अमल करने वाली है तो दस दूसरी जमातों को अपने तरीक़ार को शेयर करने से फ़ायदा पहुँचा सकती है लेकिन बात वही है कि अगर मरकज़ी निज़ाम में हर सेक्रेटरी और औरदार और नुमाइंद शुरा अपना किरदार ईमानदारी से अदा करने वाले हों तभी तो ये होगा बाज़ जमातों या मुल्कों ने, ने ये जायज़ा भी लिया है और इसका फ़ायदा हुआ है कि गुज्त तीन साल में जो मशरे के जो जो शुरा के फैसले हुए हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है और हो रहा है और उसकी समाही जायज़ा रिपोर्ट भिजवाते हैं फिर वो मरकज़ में इससे उनमें ये एहसास है कि हमने सिर्फ ये कहकर नहीं बैठ जाना कि ये तजवीज़ दो साल पहले पेश हो चुकी है इसलिए पेश नहीं होगी बल्कि मरकज़ को ये रिपोर्ट देनी है कि हमने इस लाल पर अमल करके इस हद तक अपने मकसद को हासिल कर लिया है और मज़ीद कोशिश जारी है इससे ऐसी जमातों में एहसास एहसासिम्मेदारी बढ़ाए फिर सिर्फ बातों से हमने दुनिया फतः बातों से हम दुनिया फतःह नहीं कर सकते इसके लिए अमल की ज़रूरत है जहाँ ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है वहाँ अमली कोशिश की ज़रूरत है अपनी बातों के मैार हासिल करने की ज़रूरत है अगर अहदेदार और नुमाइंदगा शूरा अपनी इबादों के मैार बेहतर करने की तोजु की तरत तो करें और मस्जिदों को आबाद करने के लिए अपने अपने अमली नमूने दिखाएँ तो मस्जिदों की आबादी भी तीन चार गुना बढ़ सकती है इसके भी जायज़े लेने चाहिए हमें बस अपने अपने अमली नमूने लोगों से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक उनका दर्द दिल में रखना इनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करना खलीफा वक्त की इतात के मैार को बुलंद करना हर अहदेदार और हर मेंबर शुरा का ख़ास इम्तियाज़ होगा तो तभी एक इनकलाबी तब्दीली मजमू तौर पर हम जमात में पैदा होती देखेंगे एक बहुत बड़ा काम हमारे स्पुर था हज़रत मसीमलाम की बेसू का मकसद और आपका मिशन कोई मामूली काम नहीं है। दुनिया में इस्लाम का खूबसूरती खूबसूरत पैगाम पहुँचाना पहुँचा कर दुनिया को खुदा वाहद की पुरस्श करने वाला बनाना मुसलसल मुसलसल कोशिश चाहता है दुनिया में शुरा इसलिए मनकद की जाती है तमाम ममालिक में कि जहाँ हम अपनी अमली हालतों को दुरुस्त करने के लिए मंसूबा बंदी करें वहाँ खुदाए वाहिद का पैगाम पहुँचाने के लिए और दुनिया को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए आ हज़रत अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी मंसूबा बंदी करें जो एक इनकलाब पैदा करने वाली हो हमेशा याद रखें कि इस सारे काम को अंजाम देने के लिए अखराजा की ज़रूरत भी है माल की ज़रूरत भी है इसलिए अपने माली बजट को भी इस तरह बनाएँ कि कम से कम अखराजात में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हों जमात के अफराद की अक्सरियत गरीब और औसत दर्जे के लोगों की है इसलिए हमारे चंदों की आमद की ऐसे आसन रंग में मनूबाबंदी होनी चाहिए जिससे हम कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अशात दिन और तबलीग के काम को सर अंजाम दे सकें और ये काम हम उसी सूरत में कर सकेंगे जब हम इस हकीकत को समझने वाले बन जाएँ कि हमने तक़वा पर कदम उठते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों और इमानतों को अदा करना है और ख़दमत दीन को एक फ़जलि समझना है हज तखर मसीम तखबा पर चलने की नसीहत करते हुए एक जगह फरमाते हैं कि या यूहदीना मनु इन तक या जल्कुम फ़ुर्क़ानु वफ़िरुम सै आते विर फर्मायाजलकुम नगरन तमशु यानी ई ईमान लाने वालों अगर तुम मतकी होने पर साबित कदम रहो और अल्लाह ताला के लिए इतका किसी होयाम और इस्तेकाम इख्तियार करो तो खुदा ताला तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रख देगा और वो फ़र्क ये है कि तुमको एक नूर दिया जाएगा जिस नूर के साथ तुम अपनी तमाम राहों में चलोगे यानी वो नूर तुम्हारे तमाम अफ़ाल और औरबाल और कवा और हवास में आ जाएगा तुम्हारी अकल में भी नूर होगा और तुम्हारी एक अटकल की बात में भी नूर होगा और तुम्हारी आँखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में नूर होगा और जिन राहों में तुम चलोगे वो राह नूरानी हो जाएंगी गरज जितनी तुम्हारी राहें तुम्हारे क़ा की राहें तुम्हारे हवास की राहें हैं वो सब नूर से भर जाएंगी और तुम सरापा नूर में ही चलोगे अल्लाह तब को तकवा पर चलते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तोहीकता फ़रमाए ताला हमारी गलतियों कोताइयों और कमज़ोरियों की वही फरमाते हुए हम अपने फजल से हमें हमेशा नवास्ता चला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। <द्वारी> 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان، وايت ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وادوه يستجيب لكم